हाँ सिटी बजाओ। आज हर कोई अपने सपनों के घर को खूब प्यार और मेहनत से सजाने की ख्वाहिश रखता है, पर अक्सर इसके चक्कर में हमारी जेब खाली हो जाती है। ऐसे में अगर जेब पर ध्यान जाए तो अक्सर क्वालिटी बेकार मिलती है, एंड सेल में मिलने वाली चीजों का तो क्या ही कहें, बस नाम के ही डिस्काउंट होते हैं। पर अगर मैं कहूं कि बहुत ही आसान तरीका है अपने घर को बहुत ही कम बजट में सवारने का, तो क्या आप बिलीव करेंगे? वीडियो के टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बेहद ही खूबसूरत से प्लांट्स की। प्लांट्स आर लाइवली, पॉकेट फ्रेंडली एंड एस्थेटिकली ब्यूटिफुल। They not only bring freshness and positivity to our life, but they add an extra beauty to our home. आप चाहे तो अपने डाइनिंग टेबल या फिर लिविंग रूम में रखे हुए कॉफी टेबल पर भी प्लांट्स को ऐड करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक केन का ट्रे लिया है जिस पर मैंने एक बुद्धा जी का फिगर ऐड करा है, एक बैम्बू वाला प्लांट ऐड करा है एंड बस जरा सी धूप लगा दी है, एंड देखिए कितना प्यारा सा लुक क्रिएट हो गया है। बैम्बू प्लांट बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। इसे अगर आप अपने घर पर रखें तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में आती है एंड आपका लक बढ़ जाता है। ऑनेस्टली लक का तो मुझे पता नहीं, पर डेफिनेटली घर का लुक ये बहुत ही यूनिक बना देता है। जस्ट लाइक बैम्बू प्लांट, मनी प्लांट को भी घर के लिए बहुत ही ज्यादा लकी एंड प्रॉस्पेरस माना जाता है। लोग कहते हैं मनी प्लांट अगर बहुत ही अच्छे से आपके घर में ग्रो करे तो आपके पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पुराना अचार का बॉटल लिया है जिसके अंदर मैंने अपने मनी प्लांट को पानी के अंदर उगाया है, एंड उसके बाद मैंने एक पुरानी सी टी केटल ली है, उसके अंदर मैंने इस प्लांट को रख दिया है। विंटर्स आर ऑलमोस्ट ओवर एंड समर इज अप्रोचिंग, सो ऐसे में अपने प्लांट्स को थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देने के लिए आप अपने रूम्स में इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने किसी कॉर्नर में इन्हें प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने बुक शेल्फ में भी इन्हें ऐड करके एक वैरायटी ला सकते हैं। प्लांट डेकोरेशन के बहुत सारे आइडियाज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम में हमेशा ही अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं एक्सप्लोर किया है तो मेरा आईडी है samudrika02, एक बार जाके ज़रूर देखिए एंड अगर पसंद आए तो ज़रूर उसे फॉलो करिए, बिकॉज़ बहुत बार मैं वहाँ पे पिक्चर्स कई बार जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ इंस्टाग्राम में काफ़ी रेगुलरली मैं अपलोड करती हूँ, तो वहाँ आप ज़रूर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका घर बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा डेकोर एलिमेंट्स को ऐड ना करके अगर आप दो चार अच्छे बहुत ही खिले हुए एंड बहुत ही हेल्दी से प्लांट्स को ऐड करें तो भी आपका रूम काफ़ी क्लटर फ्री दिखता है एंड काफ़ी सुंदर दिखता है। मेरे डेकोर स्टाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी यू नो पॉकेट फ्रेंडली डेकोर एलिमेंट विच आई लव टू ऐड टू माई रूम्स। I belong to a middle class family and with a transferable job, buying expensive decor items often becomes difficult and impractical. ऐसे में जब मैं इन plants को अपने decor में add करती हूँ
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है एंड बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ईजीली घर का लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर आप प्लांट्स को फ्लोर पे रखने में कंफर्टेबल नहीं हैं, कई लोगों को उसकी प्रॉब्लम होती है क्लीनिंग में, तो उसके बजाय आप इस तरीके से प्लांट्स को हैंग भी कर सकते हैं। बहुत तरीके के हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं, या फिर आप मैक्रमे के इस तरीके के DIY बना सकते हैं। आप पुराने बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप प्लांट्स को रख सकते हैं। वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हैं प्लांट्स को हैंग करने के लिए, सो आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप प्लांट्स को ऐड करिए, बट डेफिनेटली प्लांट्स को ऐड करिए अपने रूम्स में, अपने डाइनिंग एरियाज़ में, एंड देखिए आपके घर में एक अलग सा ही लुक क्रिएट हो जाता है। इनफैक्ट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जब भी किसी बहुत ही खास को कुछ गिफ्ट करना चाहें तो उन्हें एक प्लांट गिफ्ट कर दीजिए। लकी बैम्बू दे दीजिए, जेड दे दीजिए, या फिर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं उन्हें गिफ्ट करिए। सिंगोनियम, स्नेक प्लांट, दीज आर वेरी नाइस यू नो ऑप्शंस ऑफ प्लांट जिसमें बहुत ही लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो एज अ बिगनर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्लांट्स को किस तरीके से केयर किया जाए, तो भी आपके लिए इस तरीके के प्लांट्स को यू नो खुद भी इस्तेमाल करना या फिर किसी को गिफ्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। रिसेंटली मुझे ये कैबेज फ्लावर वाला प्लांट गिफ्ट में मिला था, विच आई रियली लव, एंड इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ ताकि आप भी इस तरीके के यू नो गिफ्टिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइवली है एंड अगेन पॉकेट फ्रेंडली तो है ही है, बट एक एक्स्ट्रा टच ऐड करता है। अब जिस किसी को भी आप गिफ्ट करना चाहें उसके लिए आपके क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उसे ये ज़रूर दर्शाता है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर नीचे लिख के मुझे बताइए, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि किस तरीके की वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगे। एंड बस अभी मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। प्लीज़ ध्यान रखिए। सिटी बजाओ, बजा दो। मम्मी मम्मी पापा, हाँ मम्मी है, पापा मम्मी, पापा गए, मम्मी एक मिनट समझी, मैं बोलती ना एक मिनट, पापा गए, पापा खुश बुला दो, खुश, हाँ